तो हम देख रहे थे न्यायियों की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसका 5वां वचन से हम देखना चाहते हैं एक मुख्य बात वहाँ पर क्या हो रहा है। फलिस्तीन के जो राजा लोग हैं जो उसके मुख्य लोग वो सैमसन से तंग आ गए थे है ना, और दलाईला उसकी कमजोरी बन रहा है कि दलाईला उसके साथ थी इसलिए उसको पूछ रहा है कि जाओ पूछो उसको बराबर तुम पकड़ो है ना, कि उसका जो महाबल इंग्लिश में लिखा है ग्रेट स्ट्रेंथ है वो लिखा है कि फाइंड आउट वेयर इज द ग्रेट इन लाइफ किस में है वो ढूंढो ठीक है। तो सैमसन की बात से आज हम आगे देखेंगे। मैं कई सारे वचन देख रहा था सर्च करके बाइबल में कि बाइबल की ऐप में स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ किस में आ रहा है, बहुत सारे ऐसे तो शब्द तो बहुत सारे आएंगे स्ट्रेंथ के बारे में कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, मगर मुख्य जहाँ परमेश्वर की स्ट्रेंथ की बात हो रही है जहाँ इंसानों को परमेश्वर की ओर से बल मिला गया है वो बल के बारे में कहाँ कहाँ लिखा है वो मैं सर्च करके नोट कर रहा था। नया नियम में तो मैंने तकरीबन समझ लो ना बहुत सारा ले लिया है उसमें, एक तो खास करके प्रेरितों के काम से लेकर समझ लो ना मुझे 10 जितने मिल गए होंगे 10 के आसपास प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर का बल जो इंसानों को मिला हुआ है वो बल के बारे में, क्योंकि उस बल के बिना आप पवित्रता में नहीं चल सकते ठीक है। विश्वास से हमारे पास वो बल आ चुका है मगर उसको इस्तेमाल करना तभी आप क्या कर रह पाओगे पवित्र रह पाओगे। पिछली बार भी हमने उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मनन किया था आपको थोड़ा इंटरेस्ट दिलाने के लिए, अभी पता भूल भी गए मैं भी भूल गया मैं क्या प्रचार इसीलिए इसको लगातार थोड़ा जैसे हम परमेश्वर के भय के बारे में एक बार लिया था कई महीनों तक वैसे इसको मुझे लग रहा है लेना चाहिए है ना, फिर आगे प्रभु कुछ अलग अगुवाई करेंगे तो हम उसमें जाएंगे, मगर मुझे लग रहा है इन दिनों में स्ट्रेंथ के ऊपर ज्यादा समझ लेना है ना ज्ञान लेना है। तो जो स्ट्रेंथ है जो एबिलिटी है जो इंसान को एक शरीर में मिलती है ना, आप देखा शरीर में मिलती है, शरीर का एक स्ट्रेंथ होता है एक मन का स्ट्रेंथ होता है ना एक आत्मा का स्ट्रेंथ होता है, आत्मा का स्ट्रेंथ मन का स्ट्रेंथ एक ही स्ट्रेंथ है ना। तो मन का स्ट्रेंथ के विषय में भी आपको पुराने नियम में एक वचन मिल जाएगा जो आपको कहाँ पर मिलेगा नीति वचन में 24:10 पढ़िए उसमें मन की बल के बारे में भी लिखा है ना। साहस छोड़ दे। आज एक लड़का नया लड़का है बंगाल में रहता है तो मुझे उसको पूछा तुम्हें आगे पढ़ाई नहीं करना है कुछ प्रॉब्लम है क्यों नहीं कुछ कर रहे हो, ITI करना है भैया मगर अभी नहीं कर पाऊंगा, मैंने क्या पैसे का प्रॉब्लम है ऐसा इतना प्रॉब्लम नहीं है पैसे का, पापा घर में पीते हैं मम्मी को टेंशन है मैं घर से चला जाता हूँ तो घर में प्रॉब्लम आ जाता है। 18-19 साल का लड़का क्या बेचारा 17-18 ही होगा 19 नहीं बोल सकते, उसका मन में एक बात फिट हो गई मेरे घर में प्रॉब्लम है इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा है ना। यही प्रॉब्लम होती है विपत्ति आती है, विपत्ति कोई भी रूप में आ सकती है, आपको पाप सता सकता है आपको कोई परेशान कर सकता है कुछ ऐसे डर लगने लगता है कुछ भी आपके सामने विपत्ति हो सकती है, खास करके जवानों के जीवन में परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में वो लोग जाते बलवा बोलते ना रिबेल करते हैं परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जो है वो उनसे वो करना ही पड़ता है उनको, जवानी में जोश रहता है तो जो बातें परमेश्वर की इच्छा से नहीं है वो हम से हो ही जाएगा कैसे भी करके, एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन पांच दिन कोई ना कोई दिन तो हो ही जाएगा, एक दिन रोज होगा ऐसा जरूर नहीं मगर कोई ना कोई ऐसे समय में जो उसमें आके हम कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर बैठते जो ऐसी गलतियां कर बैठते जो परमेश्वर के विरोध में होती है जिसको बलवा बोला जाता है, गलती नहीं बोल सकते गलती किसको बोलते हैं नहीं पता है और किया, हम ज्यादातर अपने आप को बचाने के लिए क्या बोलते हैं मैंने गलती कर लिया, वो गलती नहीं है आपने आपको क्या बोलना चाहिए मैंने बलवा किया परमेश्वर के विरोध में है ना। आदम ने गलती किया था बलवा किया था है ना,
अपनी पत्नी की बात मान के परमेश्वर के विरुद्ध गया, गलती नहीं है वो, है ना। काइन ने क्या किया, गलती नहीं किया, बलवा किया, परमेश्वर ने बोला था ना तुम पाप तुम्हारे द्वार पे खड़ा है, तुम उस पर प्रभुता करना है, है ना। नहीं माना, उसमें पूरा लिस्ट में लेते जाइए, है ना। आगे फिर नूह के जमाने में 99.99% लोग बलवा कर रहे थे, है ना। फिर आगे लेके आइए, कौन आया और कौन है उसके बाद, निम्रोद, राजा निम्रोद शेर पे सवारी करता था। इतिहास कहता है उसने क्या बनाया, बाबिल टावर। क्या किया, गलती किया, बलवा, है ना, बलवा किया, विरोध में हुआ। ऐसे लेते जाइए आगे, है ना। इसहाक आया, उसके दो बेटे हुए, उसमें इसहाक ने गलती किया। यार ऐसे करते करते आपको बड़ा सा लिस्ट मिलेगा, पुराना नियम हो नया नियम में भी कुछ कुछ लोग हैं जिसने बलवा किया, है ना। सबसे पहले यहूदा इस्करियोत ने किया, है ना, उसके बाद कौन किया, विश्वासियों में कई लोग आपको मिलेंगे, है ना। पॉलस के साथ टीम में भी कई लोग ऐसे हैं जो बलवा किया, मुझे कुछ कुछ नाम याद है, ना, डेमास का नाम याद है, उसके अलावा दूसरे एलेक्सांडर, ना डेमास का नाम याद है, और दो तीन नाम है कई, उसने भी बोले हैं। वो क्या बोला है, जगत में चला गया ऐसे करके बोला है, मेरे से दूर हो गया, मेरा नुकसान किया ऐसे करके। फिर प्रभु यीशु के साथ सभी जगह में, मतलब आपको कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिलेंगे जो आखिर तक बलवा करते रहे। हम लोग उस कैटेगरी में रहेंगे तो हम अपना उद्धार को खो देंगे, है ना। इसलिए आज हम सीखना है कि बल पाते जाना, क्या कहना है, यशायाह नबी की किताब में भी लिखा है ना, 40वें में 41वें आखिर में, जो परमेश्वर की बाट जोते, यहोवा की बाट जोते, वो क्या करेंगे, नया बल पाएंगे, मतलब पाते जाएंगे, और वो दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं। जब हम थक गए हैं, पवित्र जीवन नहीं जी पा रहे, अपने हार मान ली है, इसका मतलब वही जो नीति वचन में लिखा है, आपका बल कम हो गया है। हार मान ली इसका मतलब ये नहीं आप हार गए हो। इसलिए मैं हमेशा अपना मन एक चीज में बनाए रखता हूँ, विजय में। मेरा विवेक मन मुझे डांटता भी है, तुम गलती में जाके फिर भी घमंड में रह रहे हो, ऐसे मुझे बोलता है, मैं उसको साइड करता हूँ, परमेश्वर के सामने लाता हूँ, इसलिए मैं विजय में चल पाता हूँ, है ना। तो स्ट्रेंथ कब आपकी रहेगी, सबसे पहले आपके मन को आपको संभालना है, क्या करना है, मन को, यही मन के बारे में, मन को संभाल पाए तो आपका आंतरिक मनुष्यत्व को आप संभाल पाओगे। उसका कनेक्शन आंतरिक मनुष्यत्व के साथ है, मतलब मैं विपुल हूं तो मेरे अंदर और एक विपुल है, वो कमजोर रह गया तो आप पाप के सामने क्या नहीं कर पाओगे, जीत नहीं पाओगे, उसका सामना नहीं कर पाओगे। और भले घुटने पे आकर रो कर कितना भी आप प्रार्थना करोगे, आप प्रार्थना करने के बाद एक दिन में या तो एक घंटे में वापिस वही पाप करोगे, वापिस रोगे, वापिस वही पाप करोगे, होता है कि नहीं, है ना। फिर कई ज्ञानी लोग क्या प्रार्थना करेंगे, प्रभु देखो मैं क्या कैसे बार बार आ जाता हूँ, फिर भी आप मुझे प्यार करते हो, है ना। लोग समझदार लोग ऐसे प्रार्थना करते, मगर ऐसे प्रार्थना करके बार बार गिर के बार बार उठना, बार बार गिर के बार बार उठना, बहुत हो गया, क्या हो गया, बहुत हो गया। 40 दिन तो पूरे हो गए हैं, उसके ऊपर 7 दिन भी चले गए। मैंने आपको चेक करने के लिए बोला था, प्रभु से बात कर पा रहे हो कि नहीं, है ना। तो आप में से कई लोग जवाब दिए, उसमें एक जवाब ये भी था, क्या था, प्रभु से बात करते रहेंगे तो पवित्रता में रह पाएंगे, है ना। ये सारी चीजें हैं, प्रभु से बात करना, प्रभु का भय मानना, वचन पढ़ना, आज्ञा पालन करना, है ना, संगति में रहना, ये सब चीजें जरूरी है, करना है, किसके लिए, हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। अगर आपका ध्यान अपने बल के ऊपर नहीं है, आपका ध्यान खाली आपके काम के ऊपर है, मैं कर रहा हूं बस, तो आप क्या हमेशा क्या पूछोगे, क्या आपके मन में अंदर एक कोई कंफ्यूजन आएगा, ये सब कर रहा हूं फिर भी मेरे जीवन में क्यों पवित्रता नहीं है, क्यों मैं सही नहीं रह पा रहा हूं। तो उसका जवाब यही है, आपका ध्यान, आप सब कर तो रहे हो मगर सिर्फ करने के लिए कर रहे हो, असर नहीं हो रहा है, असर होने के लिए नहीं कर रहे हो, है ना। जैसे आपको स्कूल कॉलेज में कुछ काम दिया जाता है,
है ना, कुछ प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो आप कितना भी मेहनत करके प्रोजेक्ट कर रहे हो, फिर भी जो लोग आपसे कम मेहनत किया उसका ही अच्छा मार्क मिलता है ना। आप सोचो कि मैंने क्या गलती किया, मैं इतना मेहनत किया तो भी मेरा क्यों पसंद नहीं हुआ। आप मेहनत तो किया मगर मेहनत में ध्यान नहीं दिया, कैसे मेहनत कर रहे हो, है ना। हमारे टाइम से लोग बोलते थे आप, वो उस समय में से लोगों को शब्द पता चल गया था स्मार्ट, है ना। पुराने जमाने के लोगों को भी पता था उसको, उस जमाने में लोग चतुराई बोलते थे, अभी स्मार्ट बोल रहे इंग्लिश में, और कुछ फर्क नहीं, स्मार्ट वर्क है ना। तो हमको ऐसा बोला जाता था, बहुत पढ़ाई करते हो, गुद्धे की जैसे करते रहो, स्मार्ट वर्क करना सीखो। ठीक है, दुनिया के लिए स्मार्ट वर्क चालाकी है, अन्याय है ना, हमारे लिए वो नहीं हो सकता है, हमारे लिए मेहनत तो करना ही है। इसलिए पतरस भी बोला है, पौलुस भी बोला है, प्रेरित लोग, सभी लोग कुछ ना कुछ करके एक चीज खास शब्द इस्तेमाल किए, मेहनत, है ना। मेहनत करो फल पाओ, मेहनत करो मेहनत करो। कौन सी मेहनत की बात कर रहे हैं? अपने मन को संभालने की मेहनत करो। अपने मन का कनेक्शन आपके आंतरिक मनुष्यत्व के साथ है, आपका भीतरी मनुष्यत्व जो बलवंत नहीं होगा तो आप पवित्रता में नहीं रह पाओगे। तो उसको बलवंत करने के लिए आपको पता होना चाहिए कैसे बलवंत होता है ना। तो उसके लिए आपने आपको मन को आपको संभाल के रखना है ना। सैमसंग ने अपने मन को नहीं संभाला, सबसे पहले मन नहीं संभाला, मन फिसला दलाइला के पीछे, ठीक है, दलाइला के पीछे गया। उसी समय में मन संभाल लिया होता तो वो दलाइला के पीछे नहीं जाता, स्ट्रेंथ उसके पास था, पावर था, उस पावर को उसने कहां इस्तेमाल किया, 1000 लोगों को मारने के लिए भी किया, बड़े 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 से गेट को तोड़ने के लिए भी किया, है ना। मगर उसी स्ट्रेंथ को उसने अपना व्यक्तिगत जीवन में इस्तेमाल नहीं कर पाया। इसराइल के लोगों के लिए लड़त करने के लिए, न्याय करने के लिए सब स्ट्रेंथ इस्तेमाल किया, है ना, मगर उसने जब अपनी बारी आई तब वो क्या हो गया, एक तरह के से देखिए, इंसान के पास दो स्वार्थीपन होता है। एक होता है स्वार्थीपन ही होता है उसको भी, है ना, मगर दो स्वार्थीपन है। आप बोलोगे भैया ये क्या होता है, एक स्वार्थीपन आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए है, एक स्वार्थीपन आपकी आत्मा की इच्छाओं को पूरी करने के लिए। एक मन की इच्छा को पूरी करता है, एक आत्मा की इच्छा को पूरी करता है। आत्मा की इच्छा पूरी करोगे तो आपका जो स्वार्थ है परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ, इसको स्वार्थ तो नहीं बोल पाएंगे, तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना ऐसा बोल सकते, मगर मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, है ना। तो अगर आप जो अपनी इच्छाओं को ही पूरी कर रहे हो तो आप एक स्वार्थीपन में चल रहे हो जिसका नुकसान आपको ही होगा और परमेश्वर को ज्यादा होगा। आपको तो होगा ही, परमेश्वर को और ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए जो ठान के रखा है, जो सोच के रखा है वो पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। इसलिए जो मुख्य बात आपको ध्यान देनी है वो, पहले तो मन के अंदर जो स्वार्थीपन है, मेरी इच्छा मुझे पूरी करना है, उसको हटाना है। इसलिए मैं पौलुस को उस दिन बोल रहा था, मेरी बात को समझाने, है ना, मोसेस को भी, कई बच्चों को मैं बोलता हूँ, खाली इनका नाम ले रहा हूँ कहीं नहीं, सबको मैं एक चीज खास समझाना चाहता हूँ कि आप अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए अगर आप शुरू कर दिया है, आप डेंजर जोन में आ चुके हो, ठीक है। एक छोटा सा कोई क्लिप किसी ने भेजा था, उसमें प्रभु यीशु जैसा दिखाकर वो पूछ रहे हैं, कोई लड़का पूछ रहा है, प्रभु आज वो आज जिनकी खराब हालत है वो क्यों ऐसी खराब हालत है, तो प्रभु बोल रहा है उनकी खराब हालत होने का जिम्मेदार वो लोग खुद है, क्योंकि जब ये समय मिला उसको तब वो लोग अपनी इच्छा को पूरी किया, मेरी इच्छा को नहीं पूरी किया, मेरी इच्छा को पूरी किया होता था बेस्ट होता उनके साथ, है ना। आज जिन लोगों को देख के आपको ऐसा हो रहा है, हम क्यों ऐसे नहीं है, हमारे पास क्यों पवित्रता नहीं है, इनकी कुछ भी सोचते इनके लिए असंभव नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को देख के अगर आपको लग रहा है तो ये बात समझिए, उस पीछे का उसका जो भूतकाल है वो बहुत ही कष्ट के साथ रहा होगा, है ना। उस व्यक्ति ने अपना जीवन में कई चीजों को ठुकराया होगा, जो अपने मन को मारा होगा, अपने आप को इनकार कर करके यहां तक पहुंचा, स्टेज पे पहुंचा,
ऐसे मत समझ लीजिए, चलो उसको अनुग्रह मिल गया था इसलिए हो गया। अनुग्रह भी कब खुलता है? जब आप अपने आप को समर्पण करोगे। इसलिए आज मेरे मन में यही आ रहा था, स्ट्रेंथ एंड ग्रेस, है ना। बल कैसे काम करेगा? अनुग्रह होगा तो। अनुग्रह कैसे काम करेगा? आप नम्र हो जाओगे, आप समर्पण के लिए तैयार होगे तो। ये सब चीजें साथ में जुड़ी हुई है ना, नम्रता, अनुग्रह, स्ट्रेंथ, होलीनेस, है ना, पवित्रता, नम्रता, अनुग्रह, क्या बोलते हैं, बल और पवित्रता। पवित्रता मेन भाग है जहां तक आपको परमेश्वर तैयार कर रहा है ना। अभी तो अभी प्रभु की दासी कंचन मित्तल का छोटा सा शॉर्ट में देख रहा था, उसमें वो बोल रही है, तो मैं भूल गया था बहुत टाइम से, प्रभु का धन्यवाद उसके द्वारा मुझे याद दिला दिया वो भाग कि कलीसिया को अभी तैयार होना है ना। वो क्या बोल रही है? आप चमत्कार ये सब चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस मत कीजिए, चमत्कार होते रहेंगे आपका जीवन में, आशीर्वादों के ऊपर भी ज्यादा फोकस मत कीजिए। मेन जिस चीज पर आपको ज्यादा फोकस, ज्यादा ध्यान देना हो, क्या है? पवित्रता। परमेश्वर आपको उसमें तैयार करना चाहते हैं, आपने आप में दाग या जरूरी नहीं होना चाहिए। पौलुस ऐसे समझा रहा है ना कि जो कलीसिया को दाग और चुभी के बिना वो क्या करना चाहता है, परमेश्वर के सामने उपस्थित करना चाहता है। इसीलिए ये सारी सेवकाएं आपको दी गई है, ऐसे विचार में लिखा है ना। कौन कौन सी सेवकाई है? प्रेरित की सेवकाई है, भविष्यवक्ता की सेवकाई है, पास्टर की सेवकाई है, टीचर की सेवकाई है, अलग अलग सेवकाएं दी गई है, सुसमाचार की सेवकाई है। तो इसीलिए हमें ये सीक्रेट समझना है कि मुझे पवित्र रहना है तो मुझे अंदर से मजबूत रहना है। मैं मजबूत नहीं रह पाऊंगा तो पवित्र रहना मेरे लिए नामुमकिन जैसा हो जाएगा। मगर नामुमकिन है नहीं, आपको नामुमकिन दिखेगा। प्रभु में अंदर रहने वाले लोग, प्रभु के अंदर बल पाने वाले लोग ही दौड़ पाएंगे, ऐसा वचन में लिखा है ना। जैसा है, मैं अभी हमने उसका डिस्कस किया। तो इसीलिए आपके अंदर आपको खुद चेक करना है इन दिनों में। फिर से 40 डेज शुरू कर दीजिए, कितना पावर है आपके पास, आप कितना स्ट्रेंथ है, आप कितना सहन कर पा रहे हो, कितना कंट्रोल कर पा रहे हो, देखिए। वही है सेल्फ एग्जामिनेशन जो तिमोथियस पॉल को सिखा रहे हैं। उसमें शब्द नहीं इस्तेमाल किए, मगर करंथी में तो शब्द इस्तेमाल किया। क्या शब्द इस्तेमाल किया है? कि आपका तुम्हारा अपने आप को क्या करो, परीक्षा करो, है ना, अपनी परीक्षा करो, अपने आप को चेक करो। परमेश्वर की परीक्षा मत करो, अपने आप की परीक्षा करो। आप कहाँ जा, कैसा, क्या क्या कर पा रहे हो, क्या नहीं कर पा रहे, है ना। आप अपने गुस्से पर कब्जा ले पर कंट्रोल कर पा रहे हो कि नहीं? आप कोई खाने के ऊपर कंट्रोल ले पा रहे हो कि नहीं? आप सारी इच्छाएं, जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, जो इंसान के रूप में आप रह रहे हो, इंसान की इच्छाएं अलग रहती है, प्राणियों की जो अलग एनिमल्स हैं उनकी भी इच्छा अलग अलग है ना। आप सुअर के जैसे कीचड़ में खाना ढूंढने की इच्छा नहीं है आपका, है ना, या कुत्ते के जैसे नीचे गिरा हुआ खाने की इच्छा नहीं है आपको, प्लेट में चाहिए, अच्छा साफ सुथरा चाहिए। आपकी इच्छा और दूसरे प्राणियों की इच्छा में भेद है, इंसान की इच्छा। तो इच्छा, इंसान की इच्छा, इंसान के इच्छा में भी क्या होता है, इंसान को अलग अलग चीजें डिपेंड करती है ना। आप कौन से समाज में से आ रहे हो, कौन से सोसाइटी या फिर कि कौन सी परिवार में से आ रहे हो, कैसे लोगों में से आ रहे हो, उसके हिसाब से आपकी इच्छा होगी। पिछली बार भी इसका हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, है ना। आपका जो जाति, आप जिसमें से प्रभु में आए हो, उसका कुछ भाग आपके अंदर रहता है। तो ये इच्छाएं तो है। अब ये इच्छाएं परमेश्वर के वचन के साथ मैच कर रही है कि नहीं, वो सबसे पहले आपको चेक करना है। नहीं कर रही है और आप वचन के खिलाफ जा रहे हो तो क्या है मेन बात, व्हाट इज द मेन थिंग, आपका पावर उसमें नहीं काम कर रहा है, या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो आप उसमें पावर को इस्तेमाल करना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपकी इच्छा आपकी पूरी करनी है, है ना। देखिए, आपकी इच्छा के समय में ये, इसलिए मैं इच्छा कर ले रहा हूं क्योंकि वही मेन भाग है जहां पर आपकी पावर आपको दिखाना है ना।
पहले पावर शैतान को दिखाने की जरूरत नहीं है, शैतान पहले नहीं आएगा, पहले आपका मन, आपका खुद का शरीर, आपकी खुद की इच्छाएं आएगी, शैतान बाद में आएगा, है ना। दो, इसीलिए मैं दो भाग में, दो तरीके में आपको मैं दो इच्छाएं समझाना चाहता हूँ। पहली इच्छा जो एक जो दो तरह की इच्छा रहती है, एक इच्छा जो होती है वो आपकी इच्छा खुद की है, वो इच्छा करते 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 आप कई दुष्टात्माओं को स्थान देते हो, वो दुष्टात्मा आपके अंदर समाने के बाद आपकी इच्छाएं अलग अलग लेवल में चली जाएगी, प्राणियों की जैसी हो जाएगी, है ना। एक व्यक्ति को मैं पूछ रहा था, तुम इतना घिनौना क्यों कर पा रहे हो, वो बोल रहा है भैया आपको तो पता है दुष्टात्मा है मेरे अंदर, इसीलिए ऐसे हो रहा है, समझ रहे हो। सही बोला, सच बोला, क्योंकि तो दुष्टात्मा इतनी गंदी हरकत कर तक लेके जा सकता है, किसको सुन सोच के भी लोग को उल्टी आ जाएगा, है ना। वो अलग बात है, वो एक्सट्रीम होता है ना, उसको पकड़ सकते हो, परख सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति को खाना खाना बार बार खाना, पांच पांच दस दस मिनट में खाना जाना खाना जाना, क्या समझोगे इंसान करेगा नॉर्मल ऐसा नहीं करेगा, बॉडी भी नहीं बढ़ रहा है, बस खाना ही चाहिए उसको ऑल टाइम। या फिर कोई व्यक्ति बार बार उसको छोटी सी भी चीज में गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी चीज में गुस्सा आ रहा है, घमंड का लेवल बहुत हाई, ईगो लेवल है ना, इतना गुस्सा करता है गुस्सा करता है। फिर गुस्सा करने के बाद आप पूछोगे मैंने कहा कुछ किया है, इसका मतलब वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, उसमें दुष्टात्मा की इच्छा है। तो उस लेवल में आप अगर है तो आपको छुटकारे की जरूरत है, मगर पहले वाले लेवल में है नॉर्मल लेवल जो सभी में होता है, इच्छा आ रही है आप कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, आप कुछ हद तक मन को अलग कर लोगे तो इच्छा कंट्रोल हो जाती है ना। जैसे खाने के लिए आपको जाना है, पानी पूरी की लारी आई, मैं कई बार आपको एग्जाम्पल दे दू, पानी पूरी नहीं खाना है, खाना है नहीं खाना है नहीं खाना है, गाड़ी का ब्रेक लग गया नहीं खाना, आप निकल गया है ना, फिर आप दूसरी चीजें देखने लगे या भूल गए, ठीक है, वापिस पानी पूरी का लारी आए, वापिस आपको वही टेम्पटेशन आए, आप आगे निकल गए, ठीक है। ऐसे करते करते घर पहुंच गए, घर पे आके सब्जी रोटी खा लिया, समझ में आ गया। तो घर में सब्जी रोटी का कोई कमेंट पास नहीं किया, अगर आप खा के आए होते तो मम्मी तो नमक ज्यादा है कम है आप बोलोगे, है ना। एक लड़का ऐसे करता है, उसका पत्नी कंप्लेन कर रहा था, बोल रहा है वो आके ऐसे ऐसे बोल रहा है खाना नहीं है, नहीं है अच्छा खाना नहीं है, ऐसे अच्छा खाना नहीं, बाहर खा के आता है भैया, इसीलिए ऐसे बोल रहा है। सही बात है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब आपकी इच्छाएं आपको पूरी करने के लिए आपके मन के अंदर विचार आते रहते बार बार, है ना, तो उसमें आपने स्थान दिया इसीलिए आ रहा है। एक भैया मुझे फोन करके बोल रहा है भैया मैं दारू पीना शुरू हो गया मेरा, क्या करूं अभी, मैंने ऐसी तकलीफ में आया था, मैं पहले नहीं करता था बहुत, मैं प्रभु में आने के बाद बहुत टाइम तक मैं नहीं किया भैया, अभी हो रहा है। मैंने बोला प्रभु में आने से पहले किया था कि नहीं, बोलता है हाँ पहले पिया था। मैं बोला मुझे नहीं होता पीने का मन, मुझे दूसरा कुछ होता है, मैं जब निराश हो जाता हूँ, टेंशन में आ जाता हूँ, कुछ पाप का मेरे सामने जब कुछ पाप आ जाते हैं, वो पुराना जो मैं किया वही मेरे सामने आता है, जो टेस्ट नहीं किया वो नहीं आएगा, समझ रहे हो। इंसान का शरीर, इंसान का मन ऐसा है, जब एक चीज टेस्ट कर लेता है उसको इंटरेस्ट लग जाता है, मजा आ जाता है, तो बार बार जाएगा, है ना। प्राणी भी ऐसा ही है, जैसे शेर को पहले कोई भी बकरी भेड़ खाते रहेगा, फिर एक बार इंसान को टेस्ट कर लेगा तो उसको इंसान ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, बेस्ट मिल गया। वैसे आप अगर रोज तमिल खाना खा रहे हो, वेरी सिंपल खाना जो है वो तमिल खाना है, मैं अब तक देखा तमिलनाडु डिश जो है, मलयाली भी बहुत स्पाइसी खाते हैं, मगर तमिलनाडु का जो डिश है वो कुछ कुछ एरिया का, सभी का नहीं बोल रहा हूँ, है ना, चेन्नई का नहीं बोल रहा हूँ, गांव वाले जो है, गांव के जितने भी, उसमें भी कोई कोई साउथ तमिल जो है, साउथर्न तमिल बोलते हैं तमिलनाडु, उसमें सिंपल भोजन खाते हैं वो लोग, वो लड़के लोग, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो चटपटा नहीं खाते हैं। जब वो लोग बड़े होते हैं, खास करके आप ही खुद समझ लो, आप में से कई लोग वो जाति में से, वो तमिल लैंग्वेज में, वो कल्चर में से है ना, तो आप सोचिए, आप जब छोटे थे तब आपको सांभर पसंद आता था, इडली डोसा पसंद आता था, अभी पसंद आना बंद हो गया होगा, इसका मतलब आप बाहर कुछ टेस्ट कर लिए,
ठीक है, चलो ये सब बातों में ज्यादा नहीं जाएंगे, मतलब आपको एक पॉइंट पॉइंट समझ में आ गया, आपकी इच्छा, ये इच्छा को पूरी करने के लिए आपकी एक एक पागल दौड़ होती है ना, उसको कंट्रोल करना वही है स्ट्रेंथ, है ना। जितनी स्ट्रेंथ रहेगी उतना ही आप कंट्रोल कर पाओगे, स्ट्रेंथ कम है कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इसका मतलब ये नहीं है कंट्रोल नहीं करना, कंट्रोल करना है मगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो दुखी नहीं हो जाना है। ठीक है, पॉलस क्या लिख रहा है सातवें अध्याय में, रोमियो के सातवें अध्याय में, मैं जो नहीं करना चाहता हूं मैं कर लेता हूं, जो मैं करना चाहता हूं नहीं कर पाता हूं, जो नहीं करना चाहता हूं मेरे सामने है, जो बुरा है नहीं करना चाहता हूं सामने बुरा आ जाता है, जो अच्छा करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता, ऐसे करके वो बोल रहा है, मतलब बुरा मेरे सामने हमेशा हाजिर है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, मैं नहीं, मेरे अंदर एक पाप काम कर रहा है, पाप को वो कह रहा, मतलब कुइच्छा, क्या इसको क्या बोलते हैं, कुइच्छा, जो परमेश्वर के साथ सेट नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये खाना ही है, मुझे ये वीडियो देखना ही है, जैसे मेरे अंदर भी कोई बार बॉलीवुड का कोई विचार आ जाएगा, हाँ कुछ मूवी देखना है, मैं मूवी के बारे में जान लेता हूँ, चलो है वो हीरो एक्ट्रेस कितने साल का है वो देख लेते, अभी क्या हुआ उसका देख लेते, जिंदा है कि मर गया आज ही एक विचार आ रहा है तो मैं खोल के देख लिया, है ना, ठीक है मैं सोच रहा हूँ उसमें कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है इसलिए मैं देख रहा हूँ, प्रायोरिटीज हमारी सेट हो जाती है ना, चलो इसमें क्या होने वाला है, ऐसे करके हम रिस्क ले लेते हैं कई बार, फिर कई बार ऐसा भी विचार आता है, अरे यार मैं क्या, उसमें क्या हो गया, इतना क्यों, मैं ऑर्थोडॉक्स बोलते ना, ऑर्थोडॉक्स या फिर चुस्त चुस्त मसीह थोड़ा हूं मैं क्यों इतना देखना, मैं नहीं देख रहा ऐसा थोड़ी है, तब तो मैं और ज्यादा पाप कर लूंगा, ऐसे डर लगता है ना, इसलिए ठीक है कोई बात नहीं बिंदास रह रहते, वो भी गलत नहीं है, मगर उसमें स्ट्रेंथ रहेगा तो आप क्या करोगे, उस पर नफरत करना सीख जाओगे। स्ट्रेंथ क्या दिखाएगा, जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है उसको पहले आप लोगों को समझना है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपके बॉडीली स्ट्रेंथ से थोड़ा अलग है, बहुत भिन्न है। बॉडीली स्ट्रेंथ क्या है, आप कुछ उठाना है ना, बॉडी का स्ट्रेंथ क्या है, कुछ उठाना, कुछ काम करना, उसकी कैपेसिटी रहती है ना, जैसे अभी हम एक्सरसाइज की बात करें तो पुशअप करना है तो कितना सेट लगाया, 5, तो उसकी वो कैपेसिटी है, 5 के बाद 6 नहीं कर पाएगा, हो जाएगा फिर उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़े थोड़े टाइम में शरीर की वो कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, उसको स्ट्रेंथ बोला जाता है। इसलिए स्ट्रेंथ शब्द है, बल शब्द है, बल क्या दिखाता है, बल प्रोग्रेसिव होता है, बढ़ते जाता है ना, वो शरीर के बल की बात है। आत्मिक बल में भी ऐसा है कुछ हद तक, आपकी जब तक निर्बल होता है तब तक, बाकी आत्मिक में वो नहीं है, क्योंकि आत्मिक में खुद यीशु प्रभु है आ जाता है बीच में, खुद पवित्र आत्मा आ जाता है, सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, मतलब सामर्थ्य इज रेडी इनसाइड यू, आपकी सोच समझ में ही गड़बड़ है इसीलिए लेट हो रहा है, इसीलिए शरीर जैसे धीरे धीरे शरीर को जैसे धीरे 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 स्ट्रेंथ में लेके आना पड़ता है, वैसे आपके आत्मा में स्ट्रेंथ है मगर आपके मन को समझाते समझाते टाइम लगता है और कुछ नहीं है। बाकी मैंने देखा है कई बार मैं आत्मा से भरपूर होकर जो काम कर लेता हूं ना वो नॉर्मल नहीं कर पाता हूं, ऐसे पावरफुली काम हो जाते हैं। एक बार मैं बाइक चला लिया ऐसे ही, एक भी गड्ढा मिस नहीं हुआ, क्या समझेंगे उसको, समझ रहे हो, बीच में मन आ रहे बस उस टाइम पर 100% मन को साइड कर दिया, 100% होली स्पिरिट का पावर पे बैटरी फिट कर दिया वो पावर काम कर रहा है, फेथ से हो रहा है ना, मगर स्टेबिलिटी उसमें नहीं है। स्टेबिलिटी कब आएगा आपके मन को, वही मतलब शरीर के जैसा ही है, मतलब उसमें हम मन को बोल सकते शरीर जैसा, मगर उसमें आप एक लेवल पर पहुंचने के बाद ऐसा नहीं है कि चलो मेरी कैपेसिटी कम हो गई, ऐसा नहीं है ना, मगर उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ हद तक हम शरीर के साथ उसको कंपेयर करना भी है ना, ऐसा मैंने बोल दिया इसलिए मतलब ये नहीं पावर है, मगर मैं उसकी हकीकत को समझाने के लिए से बोल रहा हूँ कि वो पावर इस पावर को एक जैसा सब सेम टू सेम मत समझिए, है ना, सेम टू सेम एक जैसा नहीं है, मगर कुछ हद तक है, जैसे उसको बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहना पड़ता है मगर आत्मिक स्ट्रेंथ को भी ऐसे बढ़ाते रहना पड़ेगा, मतलब वो उसके लिए स्ट्रेंथ मिल रहा है ऐसा नहीं, जैसे बॉडी के स्ट्रेंथ में भी ऐसा ही अंदर ही पावर है ना, वो बॉडी का मसल्स बनाते 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 लोगों का कैपेसिटी बढ़ जाता है, जैसे एक भैया किसी कोई मिलने के लिए गया उसके घर के अंदर, तो उससे बात कर रहे थे, अचानक से वो भैया
उठ गए, उसका टाइम हो गया, मेरा टाइम हो गया, क्या हुआ? ओ मेरी भैंस को लेके ऊपर लकड़े ऊपर रखना है। भैंस को ऊपर रखना है? इतनी बड़ी भैंस को? क्या तुम लोग चुप रहो, मेरा टाइम हो रहा है। उठा के सही में भैंस को उठा के ऊपर रख के आ जाए। लोग बोल रहे ये कैसे कर लिया तुमने, तुम तो बाहुबली हो क्या? बोलता नहीं कर लिया, उसमें क्या। फिर दूसरा वो उसका चा पापा बोलेगा अरे ऐसे बोल रहा है, छोटा था तभी से उठा रहा है, उठा ही पाएगा ना, समझ रहे हो, छोटा बछड़ा था तब से वो कंधे में डाल के रख के आता था, रोज कंधे में डाल के है ना, तो बड़ी होगी भैंस तो भी उसका फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उस धीरे धीरे उसका स्टेबिलिटी बढ़ गया। वैसे हमारा आत्मा में भी होता है, मगर वो स्ट्रेंथ अंदर ही है, बॉडी में है, वैसे आत्मा में वो स्ट्रेंथ है, मगर बॉडी का स्ट्रेंथ के साथ क्यों मैं कंपेयर नहीं करवाता, क्योंकि बॉडी का स्ट्रेंथ में भी लिमिट है, मगर पवित्र आत्मा का जो पावर है उसमें जो स्ट्रेंथ है, जिस पावर से आप स्ट्रेंथ पाते हो उसमें लिमिट नहीं, यू कैन डू ऑल थिंग्स, बोलता ना मैं परमेश्वर के जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, ठीक है। तो सैमसन को ये सीक्रेट तो पता था, मगर वो चीज उसने शरीर में इस्तेमाल किया, मन उसका स्ट्रेंथ में नहीं था, उसका मन फिसल रहा था बार बार। इसलिए एक आत्मिक व्यक्ति होने के नाते आपका आत्मिक स्ट्रेंथ कहां पर है, आपका मन स्थिर रहना है। इसलिए मन को रोज क्या करना पड़ेगा, खाना खिलाते रहना पड़ेगा, रोज वचन प्रार्थना, वचन प्रार्थना, आत्मा वचन, आत्मा वचन, ऐसे करते 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 आपका स्ट्रेंथ बढ़ते रहेगा, ठीक है। इसलिए अगर आपका ये रेगुलर प्रोसेस है, रेगुलर काम है, तो ही आपका एबिलिटी बढ़ेगा। वो व्यक्ति रोज उठाया बछड़े को, इसलिए एक बड़ी भैंस को भी वो उठा लिया, है ना। इसलिए रोज रोज आपको क्या करना पड़ेगा, एवरी डे रोज प्रैक्टिस है। क्यों आप सालों तक चेंज नहीं हो रहे हो, मैं अपने आपको भी कह रहा हूं, है ना। कई भागों में मैं चेंज नहीं हुआ, मोस्ट ऑफ में चेंज हुआ हो सकता हूँ मुझे, फिर भी मैं पता नहीं मुझे, मगर मुझे कोई कोई भाग पता है, सारा नहीं पता है, कोई लोग बोलेगा तो मुझे पता चलेगा, है ना। कोई कोई चीज़ें हमें बोलना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों में हमारा ईगो बीच में रहता है ना, उस चीज़ में कोई बोलेगा तो ईगो पता चल जाएगा, तो हम उसमें क्लियर कर सकते हैं। इसलिए कोई कोई चीज़ मुझे पता है, मगर ज़्यादातर चीज़ें मुझे नहीं पता है कि मेरे में है कि, मगर मैं देख रहा हूँ कि कोई कोई भाग मुझे ये भी पता है कि मेरे अभी तक उसमें स्थिरता नहीं है, है ना। पापों के सामने लड़ने के लिए, अपने स्वभाव को सही रखने के लिए कोई नाटक करना पड़ रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रेंथ वहाँ तक काम नहीं किया है, मतलब वहाँ तक उसका असर नहीं है, है ना। तो मुझे आज कई सारे वचन आपको दिखाने थे, मगर हर बार की तरह मेरे आपके साथ डिस्कस नहीं करना पड़ रहा है, अच्छी बात है, ऐसे ही सीखते हैं ना, डिस्कस करते करते काउंसलिंग जैसे ही आपके मन में काम होगा। मैं आपको टीचिंग भी दे सकता हूँ, टीचिंग देने में फिर आप उबासी लेने लगेंगे, स्ट्रेंथ कम है तो इसलिए वो भी एक बात है, जब आपके प्रभु के वचन की ओर आपको चाहत है ज्यादा, वो भी एक चेकिंग है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ काम कर रहा है कि नहीं, है ना, स्ट्रेंथ का असर है कि नहीं, है ना। आपको दुनिया की चीजें देखने में मजा आ रहा है, प्रभु की चीज देखने में आपको ज्यादा कष्ट लग रहा है, तो मतलब उसी का असर है, है ना। कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं विजयी हो जाता हूँ, कोई भी पाप मेरे सामने आ रहा है, मैं तो उसमें, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, कमजोरी नहीं है, ऐसे कोई बोलेगा मुझे प्रभु, मैं फिर ऐसे बोलेगा मैं प्रभु के अनुग्रह से जीत रहा हूँ, मेरे पास अनुग्रह है। अगर वो व्यक्ति कुछ दुनिया की बातों में कंट्रोल नहीं रख पा रहा है, नॉर्मल चीज़ों में, जैसे कुछ चीज़ मूवी देखना ये करना, उसमें उसको कंटाला नहीं आ रहा है, उसमें इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा, दुनिया की चीज़ों में मज़ा आ रहा है ना, ठीक है। प्रोफेशन के लिए ठीक है, कोई लोग का पैशन रहता है वो बात अलग है, मगर उसी में पढ़ा रहना, उसी में मज़ा आ रहा है, ऐसे मतलब जैसे मेरे को कोई बार कोई राइडिंग में वहाँ मज़ा आता है, हंसता हूँ मैं, है ना, तो मैं समझ जाता हूँ। अभी भी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं पूरा बलशाली हूँ, है ना, कुछ कुछ दुनिया की चीज़ें अभी भी मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मतलब एक समय तक हमें ये चीज़ों में काम करते 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 हम संपूर्णता की ओर जाएंगे, है ना। इसीलिए सब लोग संपूर्ण नहीं हुए हैं, है ना। इसीलिए ये धीरे धीरे ये सब चीज़ों में आपको देखना है। देखिए आपको मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ, इतनी छोटी आपको लग रहा भैया इतना आप ध्यान देते हो, है ना, आप बहुत रेडिकल हो, एक बहन तो मुझे ऐसे बोल रही है आप रेडिकल हो, रेडिकल नहीं, यही
जरूरत है, वरना लाइफ इज डिफिकल्ट, रेडिकल नहीं रहोगे तो, है ना, रेडिकल रहना जरूरी है। मसीह यीशु रहा तो आज हम उसका आदर्श ले पा रहे हैं, है ना, पौलुस का आदर्श ले पा रहे हैं। पौलुस भी रेडिकल रहा, रेडिकल मतलब बहुत ही तीव्र बोलते हैं ना, तीव्रवादी, आतंकवादी कैसे रहता है, आतंकवादी लोग देखो कैसे रहता है, हम उसका एग्जांपल से कुछ सीख सकते हैं, मतलब नेगेटिव है फिर भी। वो लोग छोटेपन से गन लेना है करना, सब अपनी इच्छाओं को साइड करके, वही उसी एक ही थी, मेरा देश के लिए मुझे लड़ना है, अन्याय के विरोध में जाना है। वो दूसरी चीज को अन्याय समझ रहे हैं, अच्छा न्याय को अन्याय समझ रहे हैं, उनका शैतान ने उनके मन में काम ऐसे किया है। तो कट्टर रहते, बोलते ना कट्टर, तो मतलब अपने उसमें कट्टर रहना है आत्मिक बातों में, नॉट लेफ्ट राइट। जोशुआ को बोला गया था तो कट्टर था, इसीलिए जीत हासिल किया ना। दाऊद भी कट्टर था, इसलिए कोई भी युद्ध हारा नहीं, है ना। कैसे कट्टर था? कट्टरपन कहां से आता है? आपका ध्यान आपके प्रभु की ओर रहेगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा, है ना। फेस देखना है प्रभु को। मैं पूछ रहा था, प्रभु मैं क्या करूं, इतने दिन आप मुझे फास्टिंग प्रेयर बोल रहे हो, उसमें क्या करना है? मेरे चेहरे को देखो। ये बस इतने कैसे करूंगा? चेहरे को देखते रहो तो आप अपने आप दुनिया के साइड करके प्रभु की ओर चलते 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 उसी स्वरूप में रोज रोज बदलते जाओगे। लिखा है ना, दूसरा कोरिन्थी 4 का, तो सॉरी 3 का आखिरी वचन, उसी रूप में आत्मा से अनुसंध करके बदलते जाओगे। उसके ऊपर ध्यान देना मतलब मेरे में मसीह जैसा दिख रहा नहीं है, चलो ये नहीं है, ये भी नहीं है, दुख लगना चाहिए, मेरे में भाग नहीं है, नहीं हो रहा है उसके जैसा, प्यार नहीं कर पा रहा हूँ उसके जैसा, नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, सहन नहीं कर पा रहा हूँ, है बीमारी आ रहा है तो सामना नहीं कर पा रहा हूँ, बीमारी पर विजय नहीं हासिल कर रहा हूँ, सब चीजें आ गया उसमें। स्ट्रेंथ मतलब सिर्फ पाप के सामने लड़ना नहीं, सब चीजें, पूरी सब चीजों में स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर। ठीक है, अभी एक मुख्य पॉइंट जो बोला, सबसे पहले मैं आपको क्या बोला याद के लिए दिला देता हूँ। सैमसन का बात करके हमने क्या सीखा? स्ट्रेंथ है तो पवित्रता है। स्ट्रेंथ तो हमारे पास पहले से अंदर है, पावर, पावर से स्ट्रेंथ हासिल करना है, अबिलिटी हासिल करना है। स्ट्रेंथ आपको खुद को बल पाना है। बल किससे पाना है? पवित्र आत्मा से। यही अब तक जो मैं बोला उसका मेन शॉर्ट पार्ट क्या है? आपको बल पाना है। बल है, पावर है, ठीक है, बल पाना है। अभी ये बल पाना है, ये आपको मैं उस पावर की ओर अट्रैक्ट होने के लिए कह रहा हूं, है ना। अभी वो पावर क्या है तो मैंने पहले आपको शॉर्ट में बोल दिया, परमेश्वर का बल, उस बल में बल पाना है, है ना। Ephesians 3:16 घर पे पढ़ लीजिए, घर पे जाके ये वरना 3:16 याद रखिए, उसमें आगे Ephesians लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखा है? आंतरिक मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत, आत्मा के द्वारा बलवंत होते जाओ। मतलब पावर किसके पास है? अच्छे आप लोग बहुत पकड़ लेते हो, कैच कर लेते हो। अच्छा, आत्मा से बल पाना है। आत्मा के पास बल है, ठीक है। कैपेसिटी कहां से आएगी? आत्मा से आएगी। तो कौन सी बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा? बोलिए, आत्मा पे। तो आज से यही शुरू कर दीजिए, आत्मिक बातों पर ध्यान लगाइए। कड़वा लगे तो भी दवा पीजिए, है ना। कई बार मैं शॉर्ट देख रहा हूँ तो दुनिया का शॉर्ट कुछ अच्छी चीजें हैं, गलत नहीं है, आप भी देखते हैं, है ना। हाँ चलो, मैं देखा, एक आया कुछ बना रहे हैं, कुछ कूद रहा है, कुछ स्पॉट्स का आ गया, उस बीच में प्रभु का, जब एक दो जाने के बाद तीसरा प्रभु का शॉर्ट, एग्जाम्पल क्या हो, एक शॉर्ट गया, दूसरा शॉर्ट गया, तीसरा शॉर्ट में प्रभु का दास या प्रभु की दासी प्रचार कर रहे हैं, उसका आ रहा है, तो तुरंत मेरे को ऐसे हो जाता है, नहीं कोई बार ऐसे होता है जब मेरा मन क्या है, मैंने ध्यान नहीं दिया, है ना। इसलिए मैं पहले क्या साथ में भी डिस्कस किया, मन को भी संभालना, है ना, मन की विचार का वही है, आत्मिक बातों पर मन लगाना। क्या करना पड़ेगा? मन लगाना। तो मन लगाना मतलब नहीं अच्छा लग रहा है, हाँ मुझे वो शॉट, तो भी देखिए, है ना, ऐसे करते करते आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ यूट्यूब बंद कर दीजिए, फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दीजिए, मेरे मन में कई बार आता है ऐसा, मैं सोचता हूँ डिलीट करके क्या करूँगा, मुझे तो जड़ में से हटाना है ना, तो उस परिस्थिति में रहकर ही मुझे हटाना पड़ेगा। उसमें ऐसा तो है नहीं कि खाली बस
जैसे गेम जैसा, तो गेम कुछ है तो गेम में तो उसी वही चीज़ है खाली, है ना, वो वही खेलना पड़ेगा, मतलब उसमें मैं नहीं जा सकता। चलो फिर प्योरली, मतलब प्योरली तो नहीं बोल सकते, पूरे पूरा वही 100% गंदगी है उसमें। जैसे कोई लूडो देख लिया, लूडो नहीं कुछ बोलते ना, रमी है, लूडो, ये कई कई चीज़ें आती है ऐसी गंदगी वाली, मतलब कुछ काम का नहीं, व्यर्थ बातें, है ना। यूट्यूब, फेसबुक, इसमें सब चीज़ें आती हैं, है ना, आप अपना भी आ सकता है उसमें, आत्मिक चीज़ें भी आती हैं। आत्मिक लोग बेचारे रात रात जाग जाग कर ये लोग बेचारे हमारे बनाते हैं, है ना, तो वो गलत तो है नहीं। मतलब उसमें मुझे सही आदत पे आना, और प्रभु का धन्यवाद, यूट्यूब बनाने वाला, फेसबुक बनाने वाले ने ये भी एक सिस्टम रखा है फॉर यू, है ना, फॉर यू, योर फेवरेट क्या है, ठीक है, तो हम उसमें आदत बना देंगे तो हमारा फेवरेट ही आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं दुनिया का नहीं सीखना, दुनिया का सीखिए, मगर दुनिया का जो करते ना, पहले पुराने जमाने में जो कांटा रहता था, कांटा तराजू रहता था, उसमें दो भाग है ना, तो उसमें क्या होना चाहिए, दुनिया और परमेश्वर की बातें लेवल होनी चाहिए, परमेश्वर की बातें ऊपर होनी चाहिए ना, दुनिया की बातें थोड़ी क्या ऊपर होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, परमेश्वर की बातें थोड़ी नीचे होनी चाहिए, ऊपर कैसे होगी, ऊपर नहीं होनी चाहिए, सोच के देखो, हाँ वेट देना, तराजू में वेट नीचे होता है, तो बार बार ऊपर ऊपर सोच के रिलीजियस माइंड हो गया, प्रभु का मतलब ऊपर वाला, कई बार नीचे भी रहता है ना, गहराई भी रहता है, हर बार ऊंचाई नहीं रहता, ठीक है, तो नीचे मतलब वेट देना है ना, उसको ज्यादा वेट देना है, दुनिया की बातें कम वेट देना है ना, उसमें ज्यादा वेट बढ़ जाएगा तो परमेश्वर की बातें धीरे धीरे ऊपर, तो आपका फिर वेट कम हो जाएगा, आपका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, जिसका वेट कम उसका स्ट्रेंथ, ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ करना है ना, जैसे मैं देखा है पतले लोग, आपको भले पतले दिख रहे हैं, उनकी हड्डियों में बहुत वजन रहता है ना, मैं बहुत पतला था पहले, मगर मेरा वजन थोड़ा भारी रहता है, मेरा भाई भी मेरे से ज्यादा, मेरा भाई हाइट भी ज्यादा है और उसका वजन भी ज्यादा है, वो हाथ ऐसे मारता था तो ग्रीन ग्रीन करते थे लोग, मेरा भी ऐसे फेवर होता था, जिसको मार देगा तो नॉर्मल मस्ती में मार के जाएगा, तो मतलब उतना वो वेट भी है स्ट्रेंथ, है ना। तो ये प्रार्थना करेंगे, क्या ध्यान देना है, प्रभु की बातों को मुझे मन लगाना है ना, आज कैसे काम है मुख्य बात, पावर पाना है, स्ट्रेंथ पाना है, क्या ध्यान देना है, मन की बात कहाँ पर मैं लेके जा रहा हूँ, कहाँ पर मैं ध्यान दे रहा हूँ, मैं रोज रोज क्या पढ़ रहा हूँ, क्या ध्यान दे रहा हूँ, मुझे भले अच्छा नहीं लगता तो भी मुझे आज, आज से मैं ठान रहा हूँ प्रभु, मुझे प्रभु आपकी बात चाहिए, धीरे धीरे ऐसे करते 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 आप अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। और खास अभी आंखें बंद करते हुए सोचिए, कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब आपको ऐसा नहीं है कि मैं, आपको पता चल जाएगा कि मेरी इच्छा है कि दुष्टात्मा की ओर से, कई चीज़ ऐसी भी होगी जो दुष्टात्मा की ओर से होगी, जो आप करे बिना नहीं रह पाओ, आप रात को उठ के भी आपको करना पड़ेगा, नींद में उठ के भी करना पड़ेगा, तो समझ लो वो चीज़ आपको दुष्टात्मा की ओर से मिली हुई है। दुष्टात्मा के अंदर से बाहर आइए, उसके लिए मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, तीन भाग में प्रार्थना करना है, पहले आपको प्रभु से माफ़ी मांगना है उस चीज़ के लिए, क्लियर होने के लिए, अपने मन को, विवेक मन को शुद्ध करने के लिए, दूसरा आपको उस अधिकार को इस्तेमाल करना है, आपके पास है उसका अधिकार इस्तेमाल करते हुए, पहले से भगाना नहीं, मगर उसके साथ पहले, उसके साथ में आपने जो आपने एग्रीमेंट किया होगा उसको पहले याद करना है, कब शुरू किया था उसको याद करके आपको बोलना है, यीशु के नाम से, यीशु के लहू के साथ मेरा, यीशु के लहू के द्वारा तेरे साथ का मेरा संबंध मैं तोड़ता हूँ, ऐसे आपको प्रार्थना करना है, उसके साथ का अपना संबंध तोड़ना है, और आखिर में उस चीज़ को बोलना है यीशु के नाम से जाओ। तो अगर आप सही से विश्वास से किए होंगे तो या तो उल्टी के द्वारा, या तो खांसी के द्वारा, कफ निकलने के द्वारा, या तो फिर आपके सिर में कुछ तेज दर्द के द्वारा, या फिर आपको लूज मोशन के द्वारा, वो दुष्टात्मा आपने से निकल जाएगा। अगर ज़्यादा ही हैवी होगा तो आपको सिर दर्द हो के ख़त्म ठीक नहीं होगा, तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। फिर से बोलता हूँ, आपको लग रहा है मैं जो भी कुछ कोई इच्छा मेरे अंदर आ रही है मेरी ओर से नहीं है, दुष्टात्मा की ओर से, क्योंकि बहुत ही इच्छा तीव्र है, मैं वो करे बिना नहीं रह पाता, पूरे दिन में अगर मैं थोड़ा भी कंट्रोल कर लिया तो और वो ज़्यादा बढ़ता है,
मैं नहीं कर पाता हूँ, रात को उठ के भी मुझे कैसे भी वो चीज़ करना पड़ता है, देखना पड़ता है, करना पड़ता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रभु उसके साथ उसके क्लियर करना है, माफ़ी मांगना है आपके विवेक मन को शुद्ध करने के लिए। दूसरा, आपको उस चीज़ के विरोध में आपको आपका अधिकार इस्तेमाल करना है। उसको कहाँ आपने शुरू किया, उस दिन को याद करके, उस समय को याद करके, उसको उस चीज का नाम लेके, उस पाप का नाम लेके, उस इच्छा का नाम लेके, यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा उसके साथ का आपका संबंध तोड़ना है। उसको बोलना है मैं तोड़ता हूँ संबंध, और फिर बाद में उसको बोलना है तुम निकलो। अगर उस बीच में आपको सिर दर्द चालू हो गया है, आप नहीं कुछ कंट्रोल हो पा रहा है, कष्ट हो रहा है, तो आप हमारा मदद ले सकते हो। अगर आपको उल्टी हो रहा है, या फिर आपको अंदर से हल्का महसूस हो रहा है, या फिर खांसी आ रहा है, खांसी के साथ निकल जा रहा है, या तो लूज मोशन के साथ निकल जा रहा है, तो समझ लो आप छुटकारा पा लेंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल बात है, भले बाइबल में नहीं लिखी है, मगर ये हो रही है इन दिनों में, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को शुद्ध करना चाहता है। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, इसलिए आप घबराना नहीं है, अकेले में ये चीज़ करना है, उस चीज़ को आपने अंदर से हटाना है, उसको करके नहीं रखना है। और अगर आप नॉर्मल हैं, आपको कंट्रोल कर पा रहे हो, फिर भी दूसरे कोई दिन में कुछ आप अपनी इच्छा को पूरा कर दे रहे हो, तो उसमें आपको जैसे मैंने बोला वैसे आपको मन को आत्मिक बातों पर लगाते हुए धीरे 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 उन सब चीज़ों से आपको बाहर आना सीखना पड़ेगा। इसलिए रोज़ रोज़ बल पाते रहना है, रोज़ रोज़ वचनों पर ध्यान देना है, अन्य भाषाएं बोलते रहना है, पवित्र आत्मा का आवाज़ सुनते रहना है, सब चीज़ें आपको संगति में बढ़ते जाना है, प्रभु में आपने बल बलवंत पे बलवंत होते जाए। परमेश्वर पिताजी, हम आपके हम सारी बातों को सौंप देते हैं, जो भी हमने सुना है, सीखा है, अनुभव किया है, आपके हाथ में सौंप देते हैं। अगुवाई कीजिए, चलाइए, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। आप हमें अच्छा मन दीजिए कि हम प्रभु आत्मिक बातों पर ध्यान लगाएं। हम कई बार बलवा करते हैं, सामना करते हैं आपका, क्योंकि हमें वो चीज़ें अच्छी लगती है। हम सोचते हैं हम बाद में निकल जाएंगे बाहर, मगर प्रभु हम उसमें फंसे जाते हैं। पवित्र आत्मा, हमें आप मदद कीजिए ऐसी चीज़ों को ध्यान देने के लिए, आपको भय भक्ति रख के, नम्रता रख के प्रभु हम उसमें से बाहर आ पाए। आपका अनुग्रह हमारे पर बना रहे, आपकी इच्छा हो जाए पूरी, आगे लेके चलिए, आपकी महिमा हो, आपके अनुभव हमको होते रहे, आपका सामर्थ्य का भी अनुभव करवाइए, खास इन दिनों में हमारे भाइयों बहनों को अभिषेक में भी बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे लेके चलिए, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से। हाँ।